हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं सिक्स क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। ट्राइडीज है पेज नंबर 176 का। ये ट्राइडीज नंबर 1 है क्योंकि इसके अंदर टोटल 2 ट्राइडीज है। इस ट्राइडीज में जो क्वेश्चंस है वो 3 है और जो दूसरा ट्राइडीज है उसके अंदर क्वेश्चंस 2 है। इन दोनों ही ट्राइडीज में जो यूज है वो है कन्वर्जन का। एक छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है और हमें डेसिमल्स का इस्तेमाल करना हो। तो अभी जो हमारे सामने 3 क्वेश्चन हैं, उनमें से हम अभी कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, जिसमें कि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर के अंदर, और यूज करना है हमें डेसिमल। इज दैट क्लियर? जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू राइट 4 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। क्या आप 4 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर के अंदर, और आपको इस्तेमाल करना है डेसिमल्स का, मतलब एक डेसिमल लगाना है। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर, अब वैसे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 0.4 सेंटीमीटर। तो ये डेसिमल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब ये कन्वर्जन हुआ तो कैसे हुआ, और फिर इसको तरीके से कैसे लिखेंगे, क्योंकि इतना भर लिखने से तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, तरीके से कैसे लिखेंगे, नोटबुक में कैसे लिखेंगे, वो चीज़ अभी हम करने जा रहे हैं, तो वो चीज समझिए। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल यू राइट 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, और जहां पर आपने इस्तेमाल किया हो डेसिमल का, डेसिमल का इस्तेमाल करते हुए 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में आपको लिखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 3 पार्ट और अलग से हो जाते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं। इसमें सिर्फ हम जो करने जा रहे हैं वो ये 2 पार्ट करेंगे, इन 2 को, ठीक है। तो चलिए फिर अभी सॉल्यूशन को करते हैं, लेट अस डू। सॉल्यूशन, और पहले हम लिखते हैं कन्वर्जन, यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। आपने अपना स्केल देखा होगा, जहाँ पर कि जैसे ये स्केल है तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा होता है, जैसे ये क्या हो गया, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो गया, और ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से, और हर एक जो सेंटीमीटर के बीच में दो होल नंबर के बीच में डिवीजन दे रखी होती है, यहाँ पर 10 डिवीजन्स दे रखी होती है आसपास, और जो छोटी छोटी जो ये दो जो आप नज़र आ रही हैं आपको, दो डंडों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो 1 मिलीमीटर होता है। टोटल 10 डिवीजन होती है यहाँ पर, और 10 डिवीजन में कोई भी दो डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। इज दैट क्लियर? तो इसका जो है हमें कन्वर्जन करना है मिलीमीटर का सेंटीमीटर के अंदर। वैसे तो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, राइट। अब जब मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर के अंदर, तो यहाँ पर जो बदलाव होगा वो ये 10 जो है ये चला जाएगा डेनोमिनेटर में, यहाँ पर डेनोमिनेटर में आ जाएगा, और हमारी जो ये वाली रिलेशनशिप बनती है फिर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको समझ में आ गया कि हमने 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर क्यों लिखा। अब इसके बाद फिर आगे का पार्ट है वो करेंगे। 4 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना था, 4 मिलीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 1/10 सेंटीमीटर। मिलीमीटर की वैल्यू जो है ये वाली हमने रख दी यहाँ पर। इज दैट क्लियर? गुड। तो क्योंकि डेनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल जो है एक डिजिट जंप करेगा, इजिकल टू मैंने लिखा 4, ठीक है, क्योंकि ऊपर 4 था। अब क्योंकि नीचे 10 है तो एक डिजिट जंप करेगा डेसिमल, अब कहीं पर भी डेसिमल नहीं है तो ये लास्ट में एंडिंग में है, तो ये डेसिमल जंप करेगा एक लेफ्ट हैंड साइड में, और 0 लगा देते हैं, डेसिमल यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.4, ठीक है, समझ में आया आपको, 0.4 इसका आंसर होगा, और यहाँ पर आप यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर। ये हुआ आंसर नंबर 1। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर, और इस्तेमाल करना है डेसिमल का।
तो फिर लिखते हैं पहले सेकंड क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन नंबर वन था, अब ये सॉल्यूशन नंबर टू कर रहे हैं हम, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। पहले तो आप ये क्वेश्चन जरूर लिख दीजिए, आप ना लिखते नहीं हैं, कंजूसी करते हैं तो फिर टीचर कहते हैं हम भी कंजूसी करेंगे, हम भी मार्क्स नहीं देंगे, हम क्यों मार्क्स दें, तुम कंजूसी करते तो हम भी कंजूसी करेंगे। तो समझ में है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तरीके से सारा कुछ लिखना चाहिए आपको, आप ये जो ये रीजन है ये सही से लिखना चाहिए आपको, जो डेसिमल में कन्वर्जन है सही से लिखना चाहिए आपको, यूनिट लिखनी चाहिए, आप नहीं लिखते हो तो ये गलती है, ये कमी है, ये कमी मत कीजिए। आप तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, अच्छे बच्चे हो और समझदारी से काम लेते हो और अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको तरीके से करना है ताकि आपको मार्क्स भी अच्छे से मिल जाए और टीचर को कोई भी ऐसा चांस ही ना मिले कि वो आपके मार्क्स काटे, ठीक है। तो 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा पहले यहाँ पर हम चाहें तो एक बार लिख देते हैं ये वाला जो चीज़ है, ये एक बार दोबारा से यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्या है जो कन्वर्जन, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, दोबारा लिखना पड़ेगा आपको। तो फिर ये तो सेंटीमीटर में है, इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, 5 मिलीमीटर को बदलेंगे। तो जैसे यहाँ पे 4 का 0.4 आ गया था, वैसे ही यहाँ पर 5 का 0.5 आ जाएगा, लेकिन तरीके से 5 × 1/10 = यहाँ पर 0.5 आ गया सेंटीमीटर। कैसे आया, डेसिमल एक जंप कर जाता है क्योंकि नीचे 10 है तो एक जंप करेगा, डेसिमल यहाँ पर है कहीं नहीं है तो लास्ट में होता है, तो ये एक जंप करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो डेसिमल यहाँ आ गया और जीरो लगा देंगे तो 0.5 हो जाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, गुड। तो 5 मिलीमीटर का कन्वर्जन हो गया, अब रह गया 7, तो ये इसके अंदर प्लस कर देंगे, जो इसकी वैल्यू है जो हमारी ये आई है ये वाली वैल्यू, इसके अंदर हम प्लस कर देंगे, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर बराबर में 7 प्लस में 0.5। अब प्लस करते हुए आपको ध्यान देना है कि जो ये लिखेंगे आप, जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने 7.0 लिखेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 7 प्लस में 0.5 करेंगे तो 5 प्लस 0 होता है 5 और 7 प्लस 0 होता है 7 और डेसिमल के नीचे आएगी डेसिमल, तो ये 7.5 आ गया, राइट 7.5 लिखेंगे यहाँ पर। कैसे आया वो समझ में आ गया आपको, एडिशन कैसे की हमने, तो ये हो गया आंसर नंबर 2 जो हमने अभी निकाला। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे कोई भी सम आपके सामने आए तो आप उसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जैसे 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर मिला है, ऐसे ही आपको 4 की बजाय यहाँ पे आपको दे सकते हैं कि 355 मिलीमीटर, बताओ सेंटीमीटर में कैसे होगा और उसका डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो फिर क्या होगा, एक डिजिट के बजाय डेसिमल लग जाएगा, सिंपल और तरीका यही रहेगा, टोटल 35.5 जो है सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी तरीके के कन्वर्जन करेंगे और आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही सम आपको मिलते हैं तो आप उसको खुद करने की कोशिश कीजिए, इसी तरीके का इस्तेमाल कर ले करके, पहले तो ये चीज़ें जो ये वाले जो सम्स है ये आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि आप इनको रेफर करोगे, इनको इनका रेफरेंस लेकर के ही आप उनको सॉल्यूशन उनका सॉल्यूशन करोगे, तो ये तो बिल्कुल अच्छे से आपको आने ही चाहिए। उसके बाद जो टीचर्स असाइनमेंट दे, जो ट्यूटर असाइनमेंट दे, जो नेट पर अवेलेबल है आपके पास में, तो फिर उनको आप सॉल्व कीजिए, तो आप इसके अंदर अच्छे हो जाएंगे और आपको ये फिर ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये होता ही है, ऐसा नेचुरल चीज है, आपके लिए नेचुरल हो जाएगा और आप इसको आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे, यकीन मानिए अगर आप इनको अच्छे से नहीं करते हैं तो ही भूल जाएंगे, क्योंकि आपको रेफरेंस तो चाहिए ना कोई कि भी किसको किसकी जैसा आपको ये वाले सम है और इसको किसकी जैसा करना है, तो ये अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद फिर असाइनमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन जो ये वाला थर्ड पार्ट। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।